हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। एक थ्योरम है, यानी एक फॉर्म समझिए कि जब क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह से निकलेगा। देखिए, फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स आएगा, यहाँ एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स डी एक्स यहाँ होगा। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉस्टेड सी। यहाँ इसे समझने की ज़रूरत है आपको बेटा। यहाँ दो फंक्शन होंगे, एक तो एफ एक्स होगा, एक एफ डैस एक्स होगा। तो यहाँ जो फंक्शन है, एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दूसरा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वहाँ आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ओके, या कई बार इस तरह की फॉर्म आ जाती है e की पावर के एक्स, यहाँ कोई वैल्यू आ जाती है e की पावर 2x 3x, है ना। उस पोजीशन में यहाँ देखना, जो यहाँ k लिखा है वही यहाँ होना चाहिए, के एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स, वही देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो आंसर क्या जाएगा, डायरेक्ट e की पावर के एक्स एज इट इज़ और एफ एक्स आएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। ओके, इस पर आप ध्यान देंगे। तो आज इस थ्योरम के बेस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ई की पावर एक्स। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर आइडेंटिफिकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह इंटीग्रेट होगा। देखिए, यहाँ आपने देखा ई की पावर एक्स, वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, दो वन बाई एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ आपको ये चेक करना है कि एक फंक्शन होगा एफ एक्स, दूसरा एफ डैस होगा। तो देखिए, यहाँ एफ एक्स जो है वो आपका पास 1 बाई एक्स है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैस एक्स का तो क्या बनेगा। देखिए, 1 बाई एक्स को बेटा लिख सकते हैं x की पावर माइनस वन, तो डेरिवेटिव होगा तो माइनस वन इंटू एक पावर कम माइनस टू, यानी कि माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ डैस एक्स आपके पास बना माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा है आपके पास? बिल्कुल, ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एफ एक्स आपके पास है, एफ डैस आपको मिल गया, तो डायरेक्ट उसका आंसर आप लिख सकते हैं e की पावर x ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इट मीन्स आंसर हो गया e की पावर x एंड एफ एक्स इज क्या हो गया बेटा, 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ ये पहचानना है कि एफ एक्स कौन सा फंक्शन है और एफ डैस एक्स कौन सा फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e की पावर x tan x प्लस log सेकंड x dx। अब देखो, tan x का डेरिवेटिव तो ये बनता नहीं है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव तो सेकंड स्क्वायर x बनता है। तो आप चेक करेंगे क्या सेकंड ये log है सेकंड x, क्या एफ एक्स हो सकता है क्या? तो एफ एक्स क्या लेट कर लिया हमने, log सेकंड x। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो गया एफ डैस एक्स इजकल टू log का डेरिवेटिव है 1 बाई सेकेंड एक्स हो गया, इंटू सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा भाई सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। राइट, अब ये सेकेंड एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, टेन एक्स। यानी कि एफ एक्स आपके पास क्या होगा, log सेकेंड एक्स, और एफ डैस एक्स क्या होगा, टेन एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, e की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होगा। और यहाँ एफ एक्स क्या लेट किया आपने, log सेकेंड एक्स, तो आंसर हो जाएगा e की पावर एक्स log सेकेंड एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा अगर डिफिकल्ट लेवल पर जाएंगे अपन, चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन है e की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो देखो, पहले तो आपने देखा कि यहाँ आपके पास e की पावर x एफ एक्स एक अलग फंक्शन होगा, प्लस या माइनस होगा, और फिर एफ डैस एक्स दूसरा फंक्शन होगा, यानी अलग अलग दो फंक्शन होंगे। यहाँ होल अपोन आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, ये जो होल अपोन आ रहा है तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे अपन। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, इससे पहले इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे। तो ये अगर 2 अपोन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x अपोन 1 प्लस कॉस 2x एंड dx, ये हो गया। अभी आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ एक फंक्शन को एफ एक्स लेते हैं, दूसरे को एफ डैस को डेरिवेटिव निकालते हैं, तो बेटा यहाँ तो देखिए क्वेश्चन ऊपर नीचे तो क्वेश्चन टूल लग रहा है इसके अंदर, है ना। तो अभी ऐसा नहीं करना है, आप देखेंगे क्वेश्चन को उतना सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा एक फंक्शन एफ एक्स और एक एफ डैस। राइट, तो अभी आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये नहीं अभी डेरिवेटिव चेक करने लग जाएं। तो क्या होगा सिंप्लीफाई, 2 ओवर 1 प्लस कॉस 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, 2x का हाफ हो जाएगा ना, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है, तो ये साइन x इंटू कॉस एक्स हो गया सर, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। चलते हैं आगे, क्या हुआ e की पावर x सर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया बेटा 1 बाई कॉस स्क्वायर, इट इज़ सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, साइन बाई कॉस क्या बन गया, टेन एक्स। अब देखिए आप यहाँ फंक्शन देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को, ध्यान रखना सेकंड स्क्वायर एक फंक्शन आ गया, एक टेन एक्स आ गया, तो आपको पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स जो है वो आपका हो जाएगा क्या, टेन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव चेक करो, एग्जिस्ट कर रहा है क्या,
एफ डैश एस क्या बन गया सर, टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, बिल्कुल है। इट मीन्स इसका आंसर हो गया e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी e की पावर x एफ एक्स क्या लिया आपने टेन एक्स प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन करना है, ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़े से फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I इजल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का डी एक्स। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, आपका जो फॉर्म होती है वो होती है ई की पावर एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन अलग से होता है और एफ डैश एक्स दूसरा फंक्शन होता है। इस तरह से अलग अलग दो फंक्शन होते हैं। पहली बात ये देखेंगे, ये फंक्शन अलग और ये फंक्शन अलग, ऐसा यहाँ हो ही नहीं रहा, तो पहले इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं, इस फंक्शन को अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है वन प्लस एक्स, ध्यान रखना जो डिनोमेटर में लिखा है ना वैसा बनाना है आपको। तो यहाँ वन प्लस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो वन इसमें हम ऐड कर देंगे और वन ही सबट्रैक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे जो डिनोमेटर में लिखा हुआ है वैसा फंक्शन बनाना है आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी एफ एक्स एफ डैश नहीं है तो। तो ये बन जाएगा सर इस तरह से, और ई की पावर एक्स ऐसे हो गया, ये डी एक्स हो गया, और ये जो अपोन है वो इंडिविजुअली ये होल अपोन दे रखा है ऐसे, ये इस तरह से इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लेना। क्या बन जाएगा बेटा, वन प्लस एक्स हो गया अपॉन वन प्लस एक्स का सर होल स्क्वायर हो गया, माइनस सर वन ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये ई की पावर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। देखिए अब आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सर हो गया वन ओवर वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड ई की पावर एक्स एंड डी एक्स, इस तरह से स्प्लिट हो गया। अब आपको अच्छे से डेरिवेटिव आना चाहिए। देखो अगर आप एफ एक्स क्या किसको लेट कर लें, वन अपॉन वन प्लस एक्स को, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे बेटा एफ डैश एक्स, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर है, इसको न्यूमेटर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, वन प्लस एक्स की होल पावर माइनस वन बनेगा। तो डेरिवेटिव होगा सर पावर पहले और एक कम, यानी वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू, इट मीन्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जो आपके पास एफ डैश है सेम टू सेम वैसा होना चाहिए, ये एफ डैश आपके पास ही आया है, ऐसा है क्या क्वेश्चन में, विद साइन देखना है। देखो साइन भी देखेंगे, माइनस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया आपके पास क्या हो गया, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी सर, तो ये हो जाएगा e की पावर x, एफ एक्स क्या लिया आपने वन ओवर वन प्लस एक्स, तो ये हो गया वन ओवर वन प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब e की पावर x dx। जैसे e की पावर x dx दिखाई देता है, अरे आपके पास दूसरा फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो उस पोजीशन में आप इस थ्योरम के साथ जा सकते हैं। बट मैंने बताया था कि ये अलग अलग होना चाहिए, दोबारा देखिए e की पावर x ऐसा होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ, और एक फंक्शन आपके पास एफ एक्स अलग होना चाहिए, एक एफ डैश एक्स अलग होना चाहिए, इस तरह सेपरेट फंक्शन होने चाहिए ये। यहाँ तो ये होल अपोन आ रहा है, तो इसे इंडिविजुअली जब करेंगे अलग अलग करेंगे बेटा, तो ध्यान रखना कि नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन लिखा है, एलजेब्रा क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफिकेशन है, एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, तो उसको ऊपर एक्स माइनस वन एक पार्ट इसका स्प्लिट कर लेना। तो एक्स माइनस थ्री को सर लिख सकते हैं एक एक्स माइनस वन, और ये माइनस थ्री था इसको माइनस टू कर लिया, और इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे, एक्स माइनस वन का होल क्यूब अलग हो गया, इधर भी एक्स माइनस वन का होल क्यूब हो गया, और यहाँ आपके पास हो गया ए की पावर एक्स, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्लियर है। इस पर थोड़ा काम करेंगे बेटा, तो आई इज इक्वल टू एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी वन ओवर क्या बन जाएगा, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन की पावर थ्री, और इसका इंटीग्रेशन या ई एक्स ऐसे एज इट इज और डी एक्स। अब आप देखेंगे कि एफ एक्स कौन सा है, अब इसमें से एक फंक्शन आपका एफ एक्स होगा और एक आपका एफ डैश होगा, ठीक है, और इसमें परेशान मत होना, जिसकी पावर छोटी होगी ना बेटा एलजेब्रा के अंदर वो एफ एक्स होगा, तो वन, तो इसका मतलब वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ पावर थ्री आ रहा है बेटा, ये पावर थ्री है, ये पावर टू आ रहा है, तो छोटी पावर वाला होगा, परेशान मत हो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे इस तरह से, ये एक्स माइनस वन की पावर क्या बन जाएगी माइनस टू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो बेटा पावर पहले टू और एक पावर कम, ये हो जाएगा माइनस थ्री, इट मीन्स माइनस टू ओवर क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन की पावर थ्री। मैंने कहा एफ डैश एक्स सेम टू सेम होना चाहिए आपके पास, देखो माइनस का साइन ये रहा, टू अपॉन ये रहा, सेम वैल्यू है, इट मीन्स इसका जो आंसर है आपके पास क्या हो जाएगा फिर ए की पावर एक्स, थ्योरम के हिसाब से एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स एज इट इज, एफ एक्स क्या लेट किया है आपने, हमने एफ एक्स लेट किया ये सर वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट है I इज इक्वल टू ई की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आपको देखो अलग अलग तो करना है नो डाउट, क्योंकि ई की पावर x आ रहा है, दो फंक्शन बनाओ उसके। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि देखो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो भी टू आ रही है और डिनोमिनेटर की डिग्री वो भी टू आ रही है, जबकि इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है बेटा न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, ये इम्प्रॉपर है बेटा ये। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहला रास्ता है कि डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वे है कि डिवाइड कर लो। और डिवाइड करने के बाद क्या कैसे लिखते हैं बेटा, ये डिवाइड किए तो जैसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आएगा, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है और ये आपका क्वेश्चन आता है। तो रिजल्ट को लिखते हैं क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, ये आपको डिविडेंड को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक रास्ता है डिवाइड कर लें, दूसरा रास्ता है अगर डिवाइड से बचना चाहते हो तो थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाइए, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, तो या तो डिवाइड से बचना है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, e की पावर x एज इट इज सर, x स्क्वायर प्लस वन है तो हम सर x स्क्वायर प्लस वन है इसमें हम प्लस 2x ऐड कर देते हैं और 2x को ही माइनस कर देते हैं और अलग अलग डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना इसको। या तो आप लॉन्ग डिवीजन दीजिए या एडवांस माइंड यूज़ करो, ये हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ सर, ऐसा करने से बेटा ये e की पावर x एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज़ x प्लस वन का होल स्क्वायर रहा, माइनस ये टू कॉन्स्टेंट है आपके पास एज इट इज़ 2x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर और dx हो गया। देखो या तो लॉन्ग डिवीजन करें उससे भी हो सकता है या इस तरह से करेंगे। अब ऐसा करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये दो पार्ट हो गए इसके, एक तो ex, ये 1 बच गया 1 dx, माइनस ex को आगे इंटू करेंगे, ये 2 कांस्टेंट है, ये बच गया x ex अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब यहाँ देखेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया माइनस 2 एज इट इज, इसे i1 लेट कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी थ्योरम से, अब ये भी बताया था बेटा पीछे क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है, ये इस तरह से आगे हो जाएगा, क्लियर। दोबारा देख लो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, किस तरह से हमने कर दिया क्वेश्चन को, देखिए यहाँ ये आई वन है आपके पास, ये इसको दोबारा देख लीजिए, पहले कर चुके हैं वैसे तो, ये जो आई वन है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन सर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो यहाँ स्प्लिट कर लो इसको, पर ध्यान रखना x प्लस वन नीचे आ रहा है ना, तो x प्लस वन आपको बनाना है ऊपर, यहाँ x है ओनली, तो प्लस वन ऐड कर दिया, माइनस वन कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दो बेटा, x प्लस वन का होल स्क्वायर, इट इज़ ऑल्सो x प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो गया सर, ए एक्स एज इट इज़ हो गया। यहाँ एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वन ओवर x प्लस वन हो गया, माइनस ये वन ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, और ये ई एक्स और डी एक्स हो गया। अब आप देख सकते हैं ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ डैश हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स यानी वन ओवर एक्स प्लस वन, और प्लस सी लगा देंगे, ये आई वन हो गया आपके पास। तो आई जो आया था अपने पास वो आई देखो क्या था, आई में था ई की पावर एक्स, तो यहाँ था ई की पावर एक्स माइनस आई वन है ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, और प्लस सी हो गया। इसे अगर आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ देखेंगे e की पावर x आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और प्लस सी, और जब आगे एलसीएम लेंगे तो e की पावर x ये बनेगा बेटा x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस सी, और ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे सर हमारे पास e की पावर x है ही नहीं, तो कैसे सोच सकते हैं इस थ्योरम से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब क्या कर सकते हैं, इसके दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता है बेटा ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला, इसको इनटू वन करके आईलेट लगा दो, इसके साथ कोई छेड़खानी मत करो, साथ साथ चलने दो और अपने आप ये आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन जब इनटू वन करके आईलेट लगाएंगे तो ये ध्यान रखना कि दो बार आपको आईलेट लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे दो बार आईलेट लगाएंगे ये पार्ट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है सर, यहाँ ई की पावर एक्स है ही नहीं, तो इसको हम ई की पावर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, हम इसको लेट कर लेंगे, लोग एक्स को हमने मान लिया टी, ठीक है, लोग एक्स को टी मान लिया। अब इसको बोथ साइड ई के बेस पे लिखते हैं, ई लोग एक्स ई टी, इसी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ई टी आ जाएगा। अब बेटा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा ई टी डी टी, एक अल्टरनेट मेथड ये है इसका। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया, लोग आपका एज इट इज लिखा है, ये लोग एक्स है उसको आपने टी लेट कर रखा है, फिर प्लस वन अपॉन ये लोग एक्स टी हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया आपके पास ई टी एंड डी टी, ये क्वेश्चन हो गया।
अब आप ना तो लॉग एक्स का लॉग टी जो है इसका डेरिवेटिव 1/t² बन रहा है, समझ रहे हो, ना 1/t² का डेरिवेटिव लॉग टी बन रहा है। तो इसमें एक टेक्निक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको पता है सर लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t बनता है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ कि ये लॉग टी एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें 1/t को ऐड कर सकते हो और 1/t को सबट्रैक्ट कर लो, और आगे जो लिखा हुआ है 1/t² एज इट इज़, और यहाँ आपके पास dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक इस पार्ट को एक साथ लिखना है, दूसरे पार्ट को इसके साथ लिखना। तो ये क्या बनेगा अपने पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log t प्लस 1/t और dt ऐसा कर देना, और यहाँ से दूसरे पार्ट को जब लिखेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन वो बनेगा 1/t माइनस 1/t² और इट इज़ dt। इस तरह से दो पार्ट बन जाएंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ log t का जो डेरिवेटिव है, log t का डेरिवेटिव 1/t बन रहा है, यानी ये एफ एक्स बन जाएगा और ये एफ डैश बन जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हो गया ex fx, यानी et और fx क्या हो गया है, log ऑफ t दिया होगा, माइनस यहाँ देखो 1/t ये आपका एफ एक्स बन जाएगा, और ये 1/t का डेरिवेटिव करेंगे तो ये ही आएगी वैल्यू, ये एफ डैश बन जाएगा, तो ये माइनस एज इट इज है, तो यहाँ भी वही बनेगा et एंड fx क्या होता है 1/t है, और प्लस कॉन्स्टेंट c आया, यहाँ टी e की पावर t कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ t माइनस 1/t प्लस c। अब वापस आप t की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर t क्या लेट किया था, देखो ये रहा e की पावर t क्या था, log ऑफ है ना, e की पावर log x था ना, e की पावर t क्या था अपने पास, ये रहा x हो जाएगा, ये x हो गया, log ऑफ t मतलब log ऑफ x माइनस 1/log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप इनटू वन कर भी आई लेट लगा सकते हैं। किस तरह से बताने जा रहा हूँ, देखो आप ऐसे खुद करके देखिए बेटा, इसको ऐसे कर सकते हैं इनटू log ऑफ x dx अलग कर देना प्लस 1 ओवर log ऑफ x का होल स्क्वायर dx अलग कर देना, और इस पार्ट के अंदर आप यहाँ इंटू वन कर इसमें आईलेट लगाना, ऐसा दो बार होगा फिर ऐसा ही पार्ट निकल का आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके बेटा बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।